हम जा तो रहते रोहतांग, मगर आगे रास्ता बंद होने की वजह से हमें अपना पड़ाव गुलाबा में ही डालना पड़ रहा है। तो चलिए लेते हैं गुलाबा की वादियों का ही आनंद। रोहतांग की तरह ही गुलाबा भी एक बर्फ से ढकी चोटी है। अक्सर सड़कों पर अत्यधिक बर्फ जमा हो जाने के कारण आप रोहतांग तक का सफर पूरा नहीं कर सकते और आपको गुलाबा में ही अपना पड़ाव डालना पड़ता है। गुलाबा में भी आप उन सारी चीजों का आनंद उठा सकते हैं जो आपको रोहतांग में मिलता। कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने के बाद देश भर के पर्यटकों ने मनाली का रुख किया और यही वजह है कि हर साल हजारों जोड़े अपना हनीमून मनाने मनाली आते रहते हैं और देखते ही देखते मनाली पूरे देश भर का हनीमून मनाने के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है। आप चारों तरफ देख सकते हैं न जाने कितने नवविवाहित जोड़े यहाँ पर अपना हनीमून मना रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों पे पड़ती सूरज की खिली खिली सी धूप हमें वैसा ही अनुभव करवा रही थी जैसे एक अनुपम छटा को कैनवास पर उतार दिया गया हो। यही कारण है कि नवविवाहित जोड़े इसकी ओर खींचे चले आते हैं और इस पल की तस्वीरों को कैमरे में कैद कर कभी ना भूल पाने वाली याद में रख लेना चाहते हैं। सर आपका नाम? दीपक। मैम? पूनम। आप लोग कहाँ से आए हैं? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर से आए हैं। यहाँ पे अभी कितने दिन हो गए आप लोग को आए हुए? हमें 3 दिन हो गए। एज अ हनीमून स्पॉट मनाली आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, ऑसम। ऑसम। तो क्या आप बताना चाहेंगे दूसरे नवविवाहित जोड़ों को कि वो भी यहाँ आए और यहाँ पे अपना हनीमून मनाए? हाँ, जरूर आए। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे। बट रिसेप्शन जरा जब नहीं रहे तब आना। अच्छा, ज्यादा खर्चा करने का मौका ज्यादा खर्चा करने का मौका मिले क्योंकि हनीमून तो एक ही बार बनता है। इसलिए ज्यादा खर्चा करो, अच्छे से हनीमून मनाओ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ बहुत से नवविवाहित जोड़े आते हैं अपना हनीमून मनाने के लिए। मनाली भी, यहाँ पे मनाली में साल भर नए नए नवविवाहित जोड़े आते हैं हनीमून मनाने के लिए। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि मनाली भी हनीमून स्पॉट बन गया है और हनीमून स्पॉट के रूप में जाना जाने लगा है। गुलाबा में ये न्यूली मैरिड कपल स्कीइंग जैसे साहसी खेलों के अलावा एक ट्यूब के सहारे इस विशेष तरह के स्केटिंग का भी भरपूर आनंद उठाते हैं और साथ ही साथ उठाते हैं यहाँ की एक खास सवारी का लुत्फ, याक की सवारी। आप मनाली आए और याक की सवारी ना करें तो आपका मनाली आना अधूरा है। मैंने तो याक की सवारी की, आप जब भी मनाली आए याक की सवारी जरूर करें। स्कीइंग और याक राइडिंग के अलावा मनाली में हम पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए मनाली एक आदर्श जगह मानी जाती है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक उड़ान के इस रोमांच का अनुभव लेने से नहीं चूकते। वैसे तो यहाँ पूरे साल एक बड़ी तादाद में पर्यटक आते रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ गर्मियों के दिन में आते हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है जनवरी से फरवरी के बीच में और इन्हीं महीनों में यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। फिलहाल ये महीना है दिसंबर का। यदि आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहें तो यहाँ पर जनवरी या फरवरी में। याक, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और बर्फ की ठंडी वादियों में वक्त बिताने के बाद अब समय था आग की तपिश लेने का और इस चाहत को पूरा किया हमने बोनफायर के साथ। होटल पहुंचकर रात की ठंडक में खुले आसमान के नीचे हम लोगों ने बोनफायर का भरपूर मजा लिया और ये मजा तब दोगुना हो गया जब हमने आग के चारों तरफ बैठकर जमकर अंताक्षरी खेली। हम्मा, 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 हम्मा,